नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो पासा यानी डाइस से लिया गया है। दोस्तों, ये डाइस का पार्ट टू है और रीजनिंग के क्रैश कोर्स का 34वां वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका भी बताएंगे। दोस्तों, हम रीजनिंग की आपकी बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपके 30 में 30 मार्क आएंगे। जैसे जैसे दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे पढ़ते रहिए और क्वेश्चनों को नोट करते रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पार्ट टू का डाइस के पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करिएगा। तो प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए, आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए डाइस के। तो देखिए, क्वेश्चन है, पासों की चार स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, एक की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। एक की प्रतिकूल स्थिति का मतलब है एक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे चार स्थिति दी गई है, अब उसमें देखिए एक है कहाँ, पहले में देखिए एक यहाँ पे है, दूसरे में देखेंगे एक यहाँ पे, तीसरे चौथे में एक नहीं है। एक के विपरीत यानी प्रतिकूल पूछ रहे हैं, यानी कि यहाँ जो साइड साइड जो अंक नहीं दिख रहा है ना फलक, उस पर पूछ रहा है। यानी वो यहाँ पे ऊपर दिया है ना दूसरे वाले में, नीचे जो फलक नहीं दिख रहा है ना उस पर पूछ रहा है कौन सा अंक है। तो देखिए, बहुत सिंपल होता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना, बस आपको करना क्या है, एक के अन्य दो फलक पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है 3 और 9 है, इसमें 7 और 9 है। ठीक है, तो आप ये देखिए 3, 9 या 7, 9 किस में है, तो देखेंगे तीसरे में 7, 9 दिया है। तो ये 7, 9, 7, 9 दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और एक के दोस्तों प्रतिकूल या विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। इसका आंसर क्या होगा, 6। देखिए 6 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है आपका, ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब कभी भी दोस्तों 2 कॉमन हो जाए तो तीसरा क्या होता है, उसका विपरीत। ठीक है, तो समझ गए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछला क्वेश्चन बताया। तो प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न है, एक पासे की नीचे चार स्थितियां दी गई हैं, 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 के सामने क्या होगा ये पूछ रहा है, तो 6 है कहाँ, देखिए पहले में यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे है, तीसरे में यहाँ पे है, चौथे में नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, 6 के अन्य दो फलक पे देखिए 2, 3 है, तो देखिए 2, 3 किसी में दिख है नहीं है, तो दूसरे वाला देखिए इसमें क्या है, 2, 4 है, 2, 4 देखिए किसी में दिख रहा है, तो हाँ लास्ट वाले में 2, 4 दिख रहा है। तो ये 2, 4, 2, 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉमन हो जाएंगे और 6 के बिल्कुल सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 ही, सामने पूछे या विपरीत पूछे, पासा में बात एक ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1। 1 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है और जो नए स्टूडेंट हैं हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, और शेयर जरूर करिए। चलिए जुड़े नहीं है तो जरूर जुड़ जाइए, बहुत फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है और सभी प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। क्वेश्चन यह है, दिए गए पासे के अनुसार बताइए 4 के विपरीत का अंक क्या होगा, यानी 4 के विपरीत क्या होगा। 4 देखिए है कहां, पहले में देखेंगे यहां पे, दूसरे में नहीं है। अब यहां पे पिछला वाला रूल अगर फॉलो करें तो देखिएगा 1, 2 है, तो देखिए 1, 2 किसी में दूसरे वाले में है नहीं है, तो पिछला वाला जैसे सॉल्व किया वैसे ये सॉल्व नहीं होगा। जब इसमें 2 अंक कॉमन जब नहीं मिल रहे हैं तो हम आंसर ऐसे नहीं दे सकते, तब क्या करना है दोस्तों, अब आप देखिए दोनों में 1 अंक कॉमन है कि नहीं, तो देखेंगे हां दोनों में 1 अंक कॉमन है, कौन सा है दोस्तों, 2 कॉमन है, दोनों में क्या है, 2 कॉमन। जब दोनों में 1-1 कॉमन मिल गया तो अब आप क्या करेंगे,
जाएंगे दोस्तों, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। कहने का मतलब है 2, 1, 4, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस प्रकार से चलती है ना, यानी कि ऐसे ऐसे करके घड़ी चलती है ना, तो इसी प्रकार से आपको करना है। करना क्या है, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब है 2 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 4, तो आप लिखिए 2, 1, 4 लिख लिए ना, 2, 1, 4 लिख लिए, फिर इस 2 से क्लॉकवाइज चलिए, फिर देखिए 2, 6, 3 इस प्रकार से होगा, तो लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे 6, 3 इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है, 2 से घुमाना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 4 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो 4 के विपरीत यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे जो है 1 के विपरीत पूछेगा तो क्या होगा, 6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 का विपरीत 2 होगा, जी बिल्कुल नहीं, 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे टोटल 5 अक्षर मिल गए हैं, पासे में 1 से लेकर 6 तक रहता है, कौन नहीं लिखा है, 5 नहीं आया है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है, 2 का विपरीत पूछेगा तो आंसर होगा 5, 1 का विपरीत पूछेगा 6, 4 का विपरीत पूछेगा 3, या 3 का विपरीत पूछे 4, बातें कही है, समझ रहे ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4 का विपरीत होगा 3, आंसर क्या होगा 3। देखिए 3 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है बेसिक मैथ में, तो आप सेकंड वाले चैनल से दोस्तों जरूर जुड़ जाइएगा, सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पर जाकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, वहाँ पर दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूँ, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, और जो पश्चांतर करना होता है, तिर्यक गुणा होता है, LCM, SCF, ये सारी चीजें बेसिक मैथ पढ़ाया हूं, ठीक है, और परसेंटेज के भी वहां फुल डिटेल में क्लास चली है, तो ये सब अगर आपको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल से जरूर जुड़िए, वहां बेसिक से एकदम जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं, कौन सा चिन्ह चित्र सी के पीछे है, यानी चित्र सी के विपरीत कौन सा होगा, ये बोल रहा है। तो देखिए सी है कहाँ, पहले में दिख रहा है नहीं, दूसरे में दिख रहा है नहीं, तीसरे में दिख रहा है हाँ तीसरे में है, चौथे में देखिए हाँ चौथे में भी सी है, अन्य दो फलक में क्या है दोस्तों, AX है इसमें, तो देखिए AX कहीं दिख रहा है, 1, 2 या 4 में नहीं दिख रहा है, या इसमें क्या है दोस्तों, XY है, देखिए XY दिख रहा है हाँ, XY पहले वाले पासे में दिख रहा है, तो ये XY कॉमन हो जाएंगे, और C के विपरीत या पीछे क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, Z। तो क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं। तो देखिए जेड किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सारे प्रश्नों को नोट जरूर करिए, टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, जो नए स्टूडेंट है इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिए, इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पहले पढ़िएगा, दिए गए पासे पर कुछ अंक दर्शाए गए हैं, बताएं 4 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत ये, अब बताइए कैसे बताएंगे। तो यहां पे आपको दोस्तों पता होना चाहिए पासा कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के, मानक भाषा और साधारण भाषा। मानक भाषा और साधारण भाषा का आपको रूल भी पता होना चाहिए। भाषा की दोस्तों एक मैं वीडियो पहले से ही बनाया हूँ, सेपरेट वीडियो है, पूरे भाषा उसमें बताया हूँ मानक भाषा कौन सा होता है, साधारण भाषा कौन सा होता है। यहाँ पे आप डाइस एसएससी मेकर यूट्यूब पे आप क्या करिएगा, डाइस यानी भाषा एसएससी मेकर वीडियो ऐसे सर्च कर सकते हैं तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, उसे आप देख लेंगे तो भाषा के सारे जो रूल है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंकों का योग देखेंगे। दो सत्ता के अंक देखिए, छह चार क्या है, दस है। देखिएगा सात नहीं है ना, छह दो आठ है, सात नहीं है, चार दो छह है, क्या है यहाँ पे, चार दो छह है, सात नहीं है। जब दोस्तों देखिएगा दो संलग्न सतह के अंकों का योग सात नहीं है तो क्या होता है दोस्तों, मानक पासा। और मानक पासा का रूल क्या होता है दोस्तों, विपरीत सतह के अंकों का योग सात होता है। कहने का मतलब है दोस्तों चार के विपरीत क्या होगा कि सात हो जाए, यानी तीन होगा, चार के विपरीत तीन हो जाएगा, दो के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, पांच हो जाएगा, और छह के विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर देना है, करना क्या है, आप देंगे, दो विपरीत सतह के योग अगर सात नहीं है तो क्या है दोस्तों, मानक पासा। और मानक पासा में क्या होता है, दो विपरीत सतह के अंकों का योग सात होता है, यानी कि चार में के पीछे क्या होगा कि सात हो जाए, तीन जोड़ देंगे तो इसका यानी तीन आंसर हो जाएगा। छह का क्या होगा, एक होगा, दो का क्या होगा, पांच होगा। समझ रहे हैं ना, मानक पासा का रूल, साधारण पासा वाला क्या करेंगे उसमें देख लेंगे। साधारण पासा में क्या होता है, योग सात होता है, उसमें एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी यहां पे बता देता हूं, उस वीडियो को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे बताइए चार के विपरीत क्या होगा, तीन। देखिए तीन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप टेंशन ना लीजिए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, हम आपकी 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं। किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अभी दोस्तों यहां पे मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, सभी चैप्टर से प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप टेंशन ना लीजिए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़िए। पढ़ने में कहीं समस्या हो रही है, किसी प्रकार की क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किसी भी चैप्टर में समस्या हो रही है तो उस चैप्टर को हम कंप्लीट जरूर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।